तो हेलो भाई लोग, कैसे हो? मेरा नाम है अविनाश और मैं आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे खुद के यूट्यूब चैनल पर धाकर रुपए। और आज मैं साउथ की मूवी लेके आया हूँ जिस मूवी का नाम है अजा गजा नाचरम। और इस मूवी को हमें देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, और ये मूवी हमको ऐसा क्या नया दिखाती है और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस मूवी को देखते समय, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए रिव्यू शुरू करते हो। और ये मूवी रिलीज हुई थी 2021 में और इसमें का जॉनर है थ्रिलर एक्शन। और इस मूवी को IMDb पे 7 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 की और गूगल यूजर ने इसे 95% के स्कोर दिए। भाई रेटिंग से समझ सकते हो मूवी कितनी बढ़िया होने वाली है। और इस मूवी का डायरेक्शन क्या है, तीनू पपूचन ने। और इस मूवी की कास्ट में आपको देखने को मिलेंगे जफर, एंटोनी वर्गेस, अर्जुन अशोकन और किच्चू टेलस। और ये मूवी भाई एक मास्टरपीस मूवी होने वाली है। भाई इस मूवी को बिल्कुल मिस मत करना, इस मूवी की स्टोरी एकदम यूनिक है और ये मूवी भाई आपको एक अलग ही सफर पे लेके जाएगी। और इस मूवी की भाई जितनी तारीफ की जाए ना उतनी कम है। और अगर इस मूवी का प्रेजेंटेशन की बात करें ना, जिस तरीके से भाई इस मूवी को पर्दे पे उतारा गया ना भाई, काबिले तारीफ है। और इस मूवी के राइटर, डायरेक्टर और भाई कैमरामैन को सलाम है, क्योंकि जब आप इस मूवी को देखोगे ना तो आपको लगेगा कि भाई जिस तरीके से इस मूवी का भाई डायरेक्शन किया गया है ना, कैमरा वर्क आप देख के भाई चौंक जाओगे। क्योंकि इस मूवी में जो कैरेक्टर्स है ना वो बहुत सारे हैं और हर कैरेक्टर को भाई फ्रेम में उतारना और अलग अलग तरीके से शूट करना, इस मूवी को देख के भाई इस मूवी के डायरेक्टर और कैमरामैन को भाई दिल से सलाम करता हूँ। और ये मूवी भाई आपको बहुत कुछ नया दिखाने वाली है। और मूवी की बात करें ना तो भाई मूवी की स्टोरी ना भाई अपने प्लॉट को लेके एकदम सीरियस होती है और पूरी मूवी ना भाई एक गांव में शूट की गई है। और इस मूवी में ना भाई मुझे मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा देखने को मिला। और अगर कैरेक्टर की परफॉर्मेंस की बात की जाए ना तो भाई कैरेक्टर की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। और जब आप इस मूवी को भाई देखने के लिए बैठोगे ना तो भाई आपको लगेगा कि भाई ये मैं कौन सी मूवी देख रहा हूँ कि भाई खिचड़ी सी पक गई है। क्योंकि इस मूवी में ना आपको कुछ ज्यादा कैरेक्टर देखने को मिल जाएंगे और मूवी में भाई आपको कैरेक्टर से कनेक्टर में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा। और जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है ना आपको पता चल जाता है कि भाई हर कैरेक्टर की आइडेंटिटी क्या है। और अगर इस मूवी की हिंदी डबिंग की बात करें ना तो भाई मूवी की हिंदी डबिंग बहुत बढ़िया है। और अगर इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें तो भाई बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत बढ़िया है। और अगर मेरे एक्सपीरियंस की बात करें ना तो पर्सनली ये मूवी मुझे बहुत पसंद आई और इस मूवी को मैंने बहुत एंजॉय किया। और ये मूवी भाई सिर्फ 2 घंटे की होने वाली है और मूवी भाई शुरू कब होती है खत्म कब होती है आपको यही पता नहीं चलेगा। और अगर इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करें ना तो ये पूरी मूवी ना एक गांव के इर्द गिर्द घूमती है जहाँ पे एक बहुत बड़ा ना उत्सव होने वाला है, एक मेला होने वाला है कि इस बार का जो उत्सव है ना हम थोड़ा अलग तरीके से मनाएंगे, जिसके लिए ना एक हाथी को बुलवाया जाता है। और हाथी को संभालने के लिए ना 3 महावत भी बुलाए जाते हैं और उसमें से जो एक महावत होता है ना वो भाई थोड़ा लड़ाई वाले किस्म का होता है, वो कहीं पे भी जाता है ना भाई लड़ाई करने लगता है। और उसी गांव में ना एक भाई जोड़े की शादी होने वाली होती है और वहां पे पंत का ना खाना चल रहा होता है, तो भाई उसी बीच भाई किस तरीके से लड़ाई होती है भाई वो वाला सीन मुझे स्मूथ का बेस्ट सीन लगा है। और उसके दोस्त को भी पता है कि ये कहीं पे भी जाता है ना तो लड़ाई करने लगता है, जब तक सामने वाला कोई कुछ ना बोले ना तब तक ये भी कुछ नहीं करता है। और मूवी में भाई आपको कुछ लड़के भी देखने को मिलेंगे जो उसी गांव में रहते हैं और वो लड़के ना भाई कुछ काम नहीं करते और लड़ाई झगड़े में ना वो भी हमेशा ऊपर रहते हैं। और भाई मूवी में देखने को मिलेगा ये महावत और इन लड़कों के बीच में भाई लड़ाई किस तरह स्टार्ट होती है और कैसे भाई एक लड़के का सर फट जाता है और लड़ाई भाई किस लेवल में चली जाती है। और इसी को देख के ना भाई मंदिर के जो कुछ लोग होते हैं ना वो कॉम्प्रोमाइज कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाई वो लोग ना कॉम्प्रोमाइज करते हैं या नहीं, या एक लड़के की जान से हाथ धोना पड़ता है। और वो दोनों महावत ना भाई उस गांव से निकल पाएंगे या नहीं, ये सारी चीजें आपको उस मूवी में देखने को मिलेगी। एक्शन की बात करें ना तो मूवी में आपको कैरेक्टर देखने को मिलेगा कचंबरा दास का, जो उस गांव में ना एक छोटा सा गुंडा है। और उसके ना जब कुछ दोस्त ना भाई उसके लिए केक लाने जाते हैं ना, इतने में दुकानदार वाला बोलता है कि भाई कचंबरा दास की स्पेलिंग बोलो ताकि मैं लिख सकूं, तो वो बोलता है कि भाई अगर मैं ये सारी चीजें कर लेता तो मैं तेरी जगह नहीं बैठा होता। इतने में वो फोन लगाता है ना तो भाई उसको गाली सुनने के लिए मिलती है और वो बोलता है कि भाई नाम की ऐसी की तैसी भाई केक दो, और वो भाई बिना नाम का केक लेके जाता है। भाई बोला सीन मुझे इस मूवी का बेस्ट सीन लगा है। इस वीडियो में इतना ही, आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा वरना इस मूवी को देखने का ना आपका मजा खराब हो जाएगा। और अगर ये मूवी आपने देखी है तो आपको कैसे लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना और इस मूवी का लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।